चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर थर्ड यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर पे हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा क्वेश्चन के बच गए थे जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो वही इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, 20 नंबर 8 से हम लोग को यहाँ पर करना था। ठीक है, 28 नंबर से हम लोग को यहाँ पर करना था। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला एक ही होता है, एन इंटू अवोगैड्रो नंबर। स्मॉल एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को बताता है, फिर ये। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं एक एक ऑप्शन को यहाँ पर देखें, जैसे ऑप्शन नंबर 1, तो यहाँ पर भी आपको पहले से बता दिया गया 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कहेंगे 0.1 इंटू Na हो जाता है। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया है NTP पर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अगर हमें N को निकालना है तो N मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर। और मोल को निकालने के लिए आपको वॉल्यूम दिया, मैंने कहा जब वॉल्यूम दिया जाए तो STP पर 22.4 लीटर इसको डिवाइड करना इंटू Na आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर करेंगे तो 1/2 बोले तो 0.5 Na आ जाता है। ठीक है, 0.5 Na आ जाता है। ऐसे अगर सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर 22 ग्राम दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया, 22 ग्राम दिया गया। तो अब आप बताओ ग्राम से हम मोल कैसे निकालेंगे। तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, 22 ग्राम है, ठीक है, मॉलिकुलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, इंटू Na कर देते हैं, यहाँ पर भी 1/2 बोले तो 0.5, ठीक है, Na आ जाता है। ऐसे अगर हम डी वाले की बात करते हैं, तो डी वाले में आपको ML में वॉल्यूम दिया, वो भी कहाँ पर, NTP STP में निकाल, दोनों एक जैसे मान के करना है यहाँ पर। तो आप बताओगे यहाँ पर जब ML में देता है 22,400, ठीक है, तो हम क्या करते थे आपको बताएं, ML में है तो 22,400 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो डिवाइड करते थे, आप बताओगे यहाँ पर ये कैसे लो करके आ जाएगा N। तो इस हिसाब से हमने सबके मॉलिक्यूल्स के नंबर देख लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के नंबर अगर हमसे तो क्या पूछा गया था, इसमें कहा गया स्मॉलेस्ट बताओ, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फर्स्ट वाला स्मॉलेस्ट। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन होता और कहता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप किसको लगाते थे, तब डी ऑप्शन को आप लगाते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़े। चलिए, नीट का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर PYQ का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 29 नंबर। आपसे पूछा गया 1 cc, ठीक है, 1 cc यहाँ पर लिया गया, फिर कहते हैं 1 ml N2O लिया गया, वो NTP पर पूछा गया क्या रखेगा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, पहले वाले ऑप्शन में एटम के साथ और दूसरे के साथ मॉलिक्यूल, तीसरे के साथ इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले ऑप्शन में जो भी डाटा उन्होंने दिया वो सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर नंबर ऑफ एटम को बताने का डाटा दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन को तो चेक करेंगे ही, देखते हैं अगर कोई एक ऑप्शन आपका सही निकल जाता है उसके बावजूद भी आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में अगर हम चलते हैं, इसमें बताया 1.8 अपॉन इतना इतना दिया गया, ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालते तो क्या हो जाता, अब बताओ N इंटू एटोमिसिटी, बताओ इसमें एटोमिसिटी कितने एटम है इसके अंदर, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अब रखते हैं यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए अब कैसे निकालेंगे मोल का फॉर्मूला, अब बताओ कि ये सीसी, ये वॉल्यूम दिया है कहाँ पर, एसटीपी एनटीपी पर, तो अब क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन, और ML में है तो आप बताओगे 22,400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटू अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6 × 10^23 रख देते हैं इंटू यहाँ पर 3 × 6 कितना 18 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें इसको सॉल्व करेंगे 18, और उसके बाद जितना ये सॉल्व किया उतना सॉल्व करके आपको देखना है। ठीक है, 18, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके दोनों जीरो गायब हैं, तो अब बताओगे 18 आ जाता है, तो यहाँ पर एक जीरो से यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताओगे जितना उन्होंने लिखा है ये इतना आ जाएगा आपका भी, अगर आप उसके हिसाब से सॉल्व करें तो। ठीक है, इतने एटम्स आएंगे, ये तो सही है कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, पहला ऑप्शन करें। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताओ N इंटू Na होता है। अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले की बात करते हैं, N को कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 22,400 यहाँ पर करते हैं
6 इंटू 10 की पावर या फिर 6.02×10^23। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं वही सेम डाटा तो लिखा गया यहाँ पर, 6.02×10^23 अपॉन 22,400। ठीक है, ये तो आप बताओगे दूसरा वाला भी करेक्ट है। अगर दो ऑप्शन करेक्ट है और आपको पता है ऑल ऑफ दीज है तो इसका मतलब आपको पता है वही सही होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर सी वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आप बताओगे एन बराबर एन इंटू एन ए इंटू, बताओ क्या जो भी पूछा जाए वो एक के अंदर कितना है, एक के अंदर मतलब कि एक एन टू ओ के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ एक नाइट्रोजन के पास 7, दो के पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन के पास कितना हो जाता है 8, मतलब जो इसका एटॉमिक वेट होता है वह इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर भी बताएगा, है कि नहीं। तो आप बताओगे यहाँ पर टोटल 22 इलेक्ट्रॉन की बात आ सके, तो एक के अंदर कितने हैं 22, तो आपको 22 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मोल निकालने का एक ही रास्ता, वॉल्यूम एक मल है, 22,400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटू, आप यहाँ पर आते हैं 6×10^23 कर देते हैं और 22। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो, और आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसके दोनों जीरो हटाएंगे तो आपको यहाँ पर ठीक है ये मिल जाएगा 6×12 × 12 × 13। ठीक है, 132 आपको मिलेगा, लेकिन इसके दोनों जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.32 अपान 224×10^23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप बताओगे सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, मतलब कि हम कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऐसा समझ में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। और इसमें बताया गया रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, एक गैस के लिए वो एक्स है, एक्स नाम का गैस है ये इतना बताया गया। फिर बताया गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर एट एनटीपी विल बी, नंबर ऑफ एटम्स, एक बार नंबर फिर से पूछा जा रहा है और आपको पता है जो पूछा जाए अगर उसको फॉर्मूला आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स का, तो हर किसी को पता है एन इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, बताओ यही तो बताया आपको एटोमिसिटी। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। अब सवाल होता है क्या पता है क्या नहीं पता है, मोल निकालने के लिए हिंट पता है एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है एनटीपी पर, एन ने हमें पता है क्या होता है, बस एटोमिसिटी नहीं पता चल रहा है। अच्छा, उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर सीपी अपॉन सीबी करके कुछ दिया गया, तो मैं आपको बताऊँ सीपी अपॉन सीबी ठीक है का जो रेशियो होता है, ठीक है ये सीपी अपॉन सीबी, अब इसको थर्मो में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं क्या गामा, और गामा की वैल्यू यहाँ पर बताइए कितना 1.4। और याद रखना गामा की वैल्यू 1.4 का मतलब किसको बताता है, ये बताता है कि भाई जो भी गैस है वो कैसा है, डाई एटोमिक गैस है, और डाई एटोमिक गैस का मतलब उसकी एटोमिसिटी कितनी है 2, मतलब 2 एटम से मिलकर कोई गैस बनी। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू को, ये हमें पता चल चुका है 1.4 जो उन्होंने हिंट दिया वो कुछ और नहीं दिया, तो वहाँ पर क्या दिया था उन्होंने, ठीक है हमें एटोमिसिटी दे दिया। तो चलिए एन स्मॉल एन की यहाँ पर लिखते हैं 11.2 और कितने से डिवाइड करेंगे बताओ, लीटर में है 22.4 से डिवाइड कर दिया इंटू, एन ए की वैल्यू हम रखते हैं 6.02×10^23 इंटू एटोमिसिटी, अभी अभी यहाँ पर इस हिंट से पता चला डायटोमिक, तो कितने से 2 से, ठीक है ये यहाँ पर कैंसिल होगा कितना आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा कितना आएगा यहाँ पर 6.02×10^23। ठीक है ये हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका, ए वाला, ऐसा समझ में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा फिजिकल पढ़ने का तरीका हम लोग का यही होगा कि जैसे हम कोई एक लाइन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इतना क्वेश्चंस किए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, उसके जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस किए गए। अब मैं आपको और आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक कन्वर्जन हर किसी को हमेशा आना चाहिए, जैसे अगर बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर 1 atm प्रेशर है, ठीक है अगर इसको सेंटीमीटर पर mmHg में कन्वर्ट किया जाए तब बताओगे 76 cm mmHg में होगा, और mmHg में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा cm HG में। ठीक है, अगर mmHg की बात करते हैं 760 हो जाएगा, वही सेम वैल्यू टॉर में होगा। अच्छा 1 atm बराबर कितना बार, 1.013 बार होगा, ये अगर कभी कन्वर्जन की ज़रूरत पड़े तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, मोल के 3 फॉर्मूले हमारे हिस्से में आ चुके हैं, पहला मास दिया जाए तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं,
दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया जाए तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, और थर्ड यहाँ पर बताया था अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी पर दे दिया जाए तो 22.4 से डिवाइड करना है, अगर एमएल में वॉल्यूम दिया तो उसको 22,400 डिवाइड करना है, और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपसे यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर आपको कभी किसी गैस की डेंसिटी बतानी हो, क्या बतानी है, गैस की डेंसिटी, वो भी एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो टेम्परेचर प्रेशर खुद वो फिक्स है, ठीक है, उस पर अगर आपको किसी भी गैस की डेंसिटी बतानी हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फॉर्मूला, अभी मैं डेरिवेशन भी आपको कराता हूँ, ठीक है। अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में पूछा जाता है, याद रख कोई भी गैस हो, ठीक है, किसी भी गैस का पूछा जाए चाहे एनटीपी एसटीपी पर, तो याद रखना उसका सिंपल सा तरीका, उसका जो भी मोलर मास होगा उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। अगर डेंसिटी आप किस में बताना चाहते हो, ग्राम पर लीटर में। अच्छा, अगर आपने कहा नहीं मुझे ग्राम पर एमएल में बताओ, तो कोई बात नहीं, फिर से वही मोलर मास को कितने से इस बार डिवाइड करेंगे, 22,400 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होगा अगर कभी भी डेंसिटी पूछा जाए। अभी तो आप ऐसा फॉर्मूला याद, अभी कैसे आया फॉर्मूला वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ, बस याद है एसटीपी या डीपी पर आया तो आपका तो काम इसी से हो जाएगा, मोलर मास को 22.4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको तुरंत ऐसा रहे कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, हो सकता कहानी भले कुछ भी सुनाए आपको, वहाँ पर बस वो गैस का नाम बता दे बस, ठीक है, या फिर उसका मॉलिकुलर वेट बता दे, तो हम क्या करेंगे बस उसका हमें मोलर मास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, हम 22.4 या फिर 22,400 डिवाइड करके उसकी डेंसिटी ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर में बता सकते हैं। चलिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लेते हैं आपको कह दिया कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसकी डेंसिटी मुझे बता दो एसटीपी पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी जब भी आपसे पूछी जाए कहाँ पर, चाहे किसी भी गैस की एसटीपी पर पूछा जाए, ग्राम पर लीटर यहाँ पर बताया गया, तो उसका मोलर मास जो होगा मतलब मोलिकुलर वेट अपॉन 22.4 कर देना है, और ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है कितना होता है 32, कितने से डिवाइड कर दिया 22.4 से डिवाइड कर दिया, आप देख रहे हैं वहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही सेम अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर डेंसिटी कोई और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले ले, एग्जांपल क्या दिक्कत है, मोलर मास अपन 22.4 आप जानते हो, तो 44 को किससे डिवाइड कर दिया 22.4 से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल सा तरीका है डेंसिटी ग्राम पर लीटर में जब भी पूछा जाए, लेकिन याद रहे कहाँ पर एसटीपी बोलना चाहिए, एसटीपी एनटीपी, ऐसा नहीं कि हर जगह ये रखने लगे, उसको एसटीपी एनटीपी बोलना पड़ेगा तभी आपको मोलर मास अपन 22.4 या फिर 22,400 करना पड़ेगा, इसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी पर आपसे पूछा जा रहा है डेंसिटी बताइए, यहाँ पर CCl4 है, ठीक है, एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ग्राम पर लीटर में आपसे पूछा गया इसकी डेंसिटी लगभग क्या आनी चाहिए, ठीक है, तो बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो आपको क्या बताया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 डेंसिटी पूछी गई है ग्राम पर किसमें लीटर में, तो बताओ क्या करना है, इसका मॉलिकुलर वेट अपान, ठीक है, 22.4 कर देना है। अच्छा CCl4 पहले इसका मॉलिकुलर वेट अपान, अब बताओ कि यहाँ पर 22.4, ठीक है, CCl4 की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, ठीक है, एक क्लोरीन का कितना हो जाता है 35.5, ठीक है, और अगर इसमें हम क्या करते हैं दो से गुणा कर देते हैं यहाँ पर 71 हो जाता है, लेकिन आपको पता है कितने क्लोरीन है 4, इसका मतलब इसमें दो से फिर और गुणा करना है 2, ठीक है, 7 × 14 142 ये हो जाता है, और कार्बन का कितना 12, 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 154 आ गया ना, 451, ठीक है, तो आप बताओगे इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है 154 डिवाइडेड बाई कितना 22.4, ठीक है, तो आप बताओगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना 6 point something जाएगा, ठीक है, अगर 20 होता तो 2 सतह यहाँ पर 7, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर 6.87 निकल से आना चाहिए, 6.87, तो आपका यहाँ पर कौन सा फर्स्ट वाला सही हो जाता, ठीक है, तो ये चीज़ें हमको वहाँ पर करनी है। चलो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना था, मॉलिकुलर वेट अपॉन 22.4 कर देना था, ठीक है, आपने यहाँ पर किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सवाल आता है जो मैंने अभी आपको रटा दिया कि मोलर मास अपॉन 22.4 कर देना, ठीक है, आखिर वो कैसे आया, क्या हुआ, यहाँ पर इसको समझते हैं। देखो एक बार फिर से, किसी भी गैस की डेंसिटी आपसे एसटीपी पर पूछी गई, गैस की डेंसिटी, तो याद रखना गैस की डेंसिटी का जो फॉर्मूला अभी आपने बताया वो हम कहाँ से डिराइव करने वाले हैं, पीवी बराबर एनआरटी से, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी, वही से हम इसको ले रहे हैं।
और याद रखना यहाँ पर जो वी है वो क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको जैसे पता है मास बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है कि नहीं, ये होता है। तो अब अगर हमसे बोला जाए यहाँ पर मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो अब ये बताओ कि अगर हमसे यहाँ पर कहा जाता है तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान डेंसिटी, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो इसलिए वी की जहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एम अपान डी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पता है एन आर टी है, अच्छा एन को पहचाना, एन को पहचाना, ये कौन है, मोल। और मोल को लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं मास अपान मोलर मास। तो यहाँ पर रख दिया क्या, इसकी जहाँ पर मैंने वी की जहाँ पर मास अपान डेंसिटी, एन की जहाँ पर मास अपान मोलर मास, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डेंसिटी का टर्म दिख रहा है, तो डेंसिटी के टर्म को व्यवस्थित बनाते हैं, तो डेंसिटी को इधर भेजते हैं, इनको इधर, इनको यहाँ पर, तो आप बताओगे पी एम अपान आर टी। डेंसिटी का जो मेन फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है, पी एम अपान आर टी। अगर एस टी पी बोलेगा तो मोलर मास अपान 22.4 आपको करना है, लेकिन अगर मोल वहाँ पर एस टी पी नहीं बोलता है तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है और बताएंगे दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल होगा, ठीक है। एस टी पी बोला तो आप यहाँ पर एस टी पी का इन्फॉर्मेशन रख के निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको खुद से प्रेशर दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर आप देखें यहाँ पर ठीक है, डेंसिटी बराबर पी एम अपान आर डी, ये हमें पता चला, ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो। अब याद रखना अगर एट एन टी पी की बात करते हैं, एन टी पी पर, एन टी पी और मैंने कहा था एस टी पी आपको यहाँ पर बोले, तो याद रखना प्रेशर को मैंने कितना बताया था, अभी जब लोग फॉर्मूला बना रहे थे, ठीक है, मोल का वी एस टी पी 22.4, मैंने कहा प्रेशर को हम कितना रखते हैं यहाँ पर बताओ, प्रेशर बराबर 1 atm रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टी कितना रखते थे बताओ, एस टी पी एन टी पी पर 273 केल्विन, और आर की वैल्यू आपको बताया 0.082। जब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, पी की जहाँ पर 1 आ जाएगा, आर की जहाँ पर ये वैल्यू, और टी की जहाँ पर ये, तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाता है, मोलर मास अपान 22.4 आ जाता है, ठीक है, मोलर मास अपान 22.4। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, ये बताया था कि जब आपको एस टी पी पर डेंसिटी पूछे ग्राम पर लीटर, तो मोलर मास अपान 22.4 कर देना, ठीक है। तो फॉर्मूला यही से है पूरा डेरिवेशन, अगर आपको पता है, आपने याद कर लिया, अगर ऐसा डायरेक्टली पूछ रहा तब भी आप बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास ये फॉर्मूला है, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया, आइडियल गैस इक्वेशन से आया था, ठीक है। डेंसिटी बराबर पी एम अपान आर टी, अगर आपको क्या करता है वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर खुद से देता है और गैस का नाम भी बताता है, तो आपको ये रखना है। और अगर क्या होता है कि आपको एस टी पी बोल दिया, इसका मतलब आपको प्रेशर टेम्परेचर और सारी चीज़ें पता चल गई, तो आप डायरेक्टली मोलर मास अपान 22.4 रख सकते हैं। एम जो यहाँ पर आपको बताया गया याद है, वो मोलर मास को बता रहा है, कैपिटल एम, ठीक है, आया समझ में। तो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, चलो यही पर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको बताया जो कि अभी पढ़ के आया, लेकिन इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं, मान लेते कोई भी एक गैस है, फॉर्मूला यूँ, किसी भी गैस के लिए आखिर इस फॉर्मूले में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं बदल सकते, तो पहली बात तो आपको क्या, क्या उस गैस का मोलर मास आप बदल सकते, ऑक्सीजन का 32 है तो हमेशा 32 आज भी है, कल भी हो, हमेशा रहेगा, ठीक है। और आर एक गैस कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि जो डेंसिटी होती है वो दो बातों पर डिपेंड करेगी यहाँ पर किसी भी गैस की, वो कौन सा, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। और उस प्रेशर और टेम्परेचर में भी अगर देखा जाए, प्रेशर के डायरेक्टली और टेम्परेचर के क्या हो जाता है, इन्वर्सली। तो अगर बताया जाए कोई एक गैस है, ठीक है, अगर वहाँ पर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बताओ उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। अच्छा अगर टेम्परेचर की मदद से भी बढ़ाना चाहते तो हम टेम्परेचर में क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे टेम्परेचर को घटा दें तब भी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम एक कॉन्सेप्ट निकालें, कोई एक गैस किसी कंटेनर में भरी गई है, हम चाहते हैं वो और डेंसिटी उसकी बढ़ जाए, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, तो हमारे पास एक सिंपल सा रास्ता है, हम चाहेंगे वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाए और टेम्परेचर घट जाए। इसलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ऐसा थ्योरेटिकल, ठीक है, बताइए फला गैस है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पर याद रखना जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर मिनिमम हो, वहाँ पर उस गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है पी एम अपन आर टी, जरूरत पड़ी तो हमने इसको एस टी पी पर कन्वर्ट कर लिया, जरूरत पड़ी तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का इसको रिलेट कर लिया, और जरूरत पड़ी तो यहाँ पर अगर कोई प्रेशर दिया गया, कोई टेम्परेचर दिया गया है, तो उस पर डाटा को रख करके हम उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताया, डेंसिटी पी एम अपन आर टी, प्रेशर के डायरेक्टली टेम्परेचर के अनुसार, प्रेशर बढ़ाने पर भी डेंसिटी बढ़ेगी, घटाने पर टेम्परेचर
प्रेशर बढ़ाने पर पड़ेगा, और टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तब तो घट जाएगा, लेकिन हम अगर घटाएंगे तो बढ़ जाता है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फॉर हायर डेंसिटी ऑफ ए गैस, अगर किसी गैस की डेंसिटी ज़्यादा जाते हैं तो पी शुड बी हायर एंड टी शुड बी लोअर। ठीक, नोट करके यहाँ पर आपको बताया गया इफ एनटीपी और एससीपी आर नॉट गिवन एट डेंसिटी कैलकुलेशन आर यूज्ड। ठीक है, अगर एनटीपी एससीपी आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत वहाँ पर कूद पड़े यही वाला फॉर्मूला मोलर मास अपॉन 22.4 करके लगा दिया, नहीं, जब तक नहीं बोला जाता है एसटीपी एनटीपी तब तक वो फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, आपको क्या लगाना है पीएम अपॉन आरटी का ही फॉर्मूला लगाना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बताते चले तो पता चले आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, द डेंसिटी ऑफ नियॉन, नियॉन गैस है, कहा गया इसकी डेंसिटी कब हाईएस्ट देखने को मिलेगी, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर आपके सामने है। तो पहले ऑप्शन में आपको कहता है एट एसटीपी, आपको पता है क्या नोटिस करना, टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब बताओगे वहाँ पर वो कितना, अगर हम बात करते हैं 1 atm प्रेशर की तो बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर कितना बताओ 273 केल्विन बोले या फिर इसको हम 0°C बोले, अगले वाले ऑप्शन में 0°C ये भी बोल रहा, लेकिन प्रेशर को कह रहा है कि तुम्हारे बराबर टेम्परेचर मैं भी दे रहा हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, अब ये डोमिनेट कर रहा है। अच्छा अगले में 1 atm प्रेशर है लेकिन टेम्परेचर को देख रहे ये केल्विन नहीं है, 273 डिग्री से बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत हाई टेम्परेचर, भले प्रेशर 2 atm कर दे लेकिन बहुत हाई प्रेशर। तो इन सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आप लगा रहे हैं, सेकंड, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर के साथ साथ अब बताओगे मैक्सिमम प्रेशर भी इन्वॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एन आइडियल गैस विल हैव द मैक्सिमम डेंसिटी व्हेन, एक आइडियल गैस के पास मैक्सिमम डेंसिटी कब देखने को मिलेगी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, पहले में 0.5 atm 600 केल्विन, ठीक है, दूसरे में प्रेशर को देख रहे हैं 2 atm की बात करो टेम्परेचर भी काफ़ी कम, तीसरे में प्रेशर ठीक है 1 है टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहाँ पर 1 है 500 केल्विन। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन है, जहाँ पर प्रेशर आपको 2 atm मिल रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर सबसे मिनिमम 150 केल्विन ही केवल दिया गया, तो मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम टेम्परेचर एक गैस की डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल से आपसे यहाँ पर साबित हो, वहाँ पर आप देख करके बता रहे थे ऐसे आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, चलिए इसमें पूछा गया डेंसिटी ऑफ मेथेन, मेथेन की डेंसिटी बताना 2 atm प्रेशर 27°C। अब आपको टेम्परेचर प्रेशर वो खुद दे रहे हैं तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला उठाएंगे कौन सा, पीएम अपॉन आरटी। भाई जब वो खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है एसटीपी नहीं बोल रहा है तो सब कुछ रखना पड़ेगा जो दिया क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ डेंसिटी की बात करते हैं, प्रेशर कितना है एटीएम के साथ प्रेशर की वैल्यू रखी जाती है 2, और मेथेन है कौन है मेथेन CH4, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाता है इसका 12 और 4 कितना 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 16 रखा, आर की वैल्यू बताया था 0.082 × टेम्परेचर बताओ क्या वही 27 उठा के रख दे, नहीं, आप वहाँ पर केल्विन वाला टेम्परेचर रखते हैं एब्सोल्यूट, आप बताओगे 273 + 27, आप बताओ कितना 300 केल्विन, तो केल्विन वाला टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पर 300 केल्विन आ जाता है, और इसको आप सॉल्व करना वहाँ पर तो आप बताओगे 1.30 कितना ग्राम पर लीटर, तो आपका आंसर आता है कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, समझ में। चलो डेंसिटी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी हम लोग सीखे, देखो एक चीज़ होती है वेपर डेंसिटी, एक होती है डेंसिटी जो अभी हम लोग देखे आ रहे हैं। अगर कभी इनसे पूछा जाए कि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हो आप, तो उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बताऊँ रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, तो यहाँ पर कैसे रिलेशन बना सकते हैं, लास्ट में फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। डेंसिटी बराबर अभी मैंने आपको बताया, अच्छा वो भी एसटीपी पर बात चल रही है, एसटीपी एनटीपी पर, डेंसिटी किसी ग्राम का एसटीपी एनटीपी पर अभी आपको सिखाया कि आप मोलर मास अपॉन 22.4 कर दें। अच्छा आपको बताया मॉलिकुलर वेट या फिर मोलर मास बराबर, पीछे बताया था आपको अगर कभी वेपर डेंसिटी दिया हो और हमें मॉलिकुलर वेट की ज़रूरत हो तो हम उसी वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर वेट बना लेते हैं। ठीक है, 2 × वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहले डेंसिटी का ये फॉर्मूला मोलर मास या फिर मॉलिकुलर वेट अपॉन 22.4, फिर जहाँ पर ये मॉलिकुलर वेट है उसी के जहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 2 × वेपर डेंसिटी, तो आप देखना यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके जहाँ पर 2 × वेपर डेंसिटी पुट कर दिया जाएगा तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर, इसकी यहाँ पर अगर हम इसे लिखें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप बताओगे 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा 22.4, तो बताओगे ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 11.2। ठीक है, ये आ जाता है, तो डेंसिटी बराबर वेपर डेंसिटी अपन 11.2 या फिर वेपर डेंसिटी बराबर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 11.2 डेंसिटी ग्राम पर लीटर। अच्छा कल को डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दिया तो हम क्या करेंगे,
जहाँ पर 11.2 था यहाँ पर 11200 11,200 से क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पर वेपर डेंसिटी आप निकाल सकते हो, या फिर कल को वेपर डेंसिटी देकर के डेंसिटी पूछे तो इसको डिवाइड कर देना वहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको यहां पर बताया गया द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, इतना ग्राम पर सीसी मतलब एमएल है, वेपर डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपको बताया एमएल के साथ है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बताएंगे यहां पर 11200 इंटू 0.001293, ठीक है। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे मिसाल से यहां पर ये सी के आसपास आता है वहां पर 14.30। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला भेजता है आपको, रख करके बस कैलकुलेट करना था आपको, ठीक है। चल एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर हमसे कोई पूछा जाए मिनिमम मॉलिकुलर वेट, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि मैं आपको बताऊं, पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं फिर देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखो अगर मान लेते हैं, अब जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, मान लेते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड है ए बी सी ऐसे ही कुछ करके, वहाँ पर इसके नंबर एक्स है, इसके नंबर वाई है, इसके नंबर जेड, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर वो किसी पर्टिकुलर, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे वहाँ पर उनके नंबर्स हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे सी का, इनका परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे दे और कह दे इसकी परसेंटेज को देख करके बताओ अगर इनके हिसाब से इस बड़े से कम मॉलिकुलर वेट बताना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, इनका मिनिमम मॉलिकुलर वेट क्या निकल के आ सकता है। आया समझ में, हम क्या देखने वाले हैं, अगर एक बड़ा सा कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करे कि इसकी परसेंटेज जितनी है इस बड़े से कंपाउंड में, तो आप बताओ कि अगर उसकी परसेंटेज के हिसाब से अनुमान लगाएं तो उस बड़े से कंपाउंड का कम से कम अगर मॉल, ऐसा नहीं एग्जैक्ट बताएगा, मतलब कम से कम अगर हो तो कितना हो सकता है, हम वो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा चलता है यहाँ पर, मिनिमम मॉलिकुलर वेट आस्क इन क्वेश्चन, तो जिस मॉलिक्यूल का पूछा गया मिनिमम मॉलिकुलर वेट, तो उसको इक्वल हो जाएगा 100 इंटू एटॉमिक वेट, किसका, जिस एलिमेंट की परसेंटेज दे रहा है उसका एटॉमिक वेट आपको रखना है, अपॉन उसकी क्या करनी है वहाँ पर परसेंटेज कर देना है। ये सिंपल सा तरीका होगा, आप कर सकते हो, आप फॉर्मूला याद है तब भी कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करते हैं, बताया गया परसेंटेज ऑफ सिलिनियम परऑक्सीडेज इन हाइड्रोजन एंजाइम इज, देखो यहाँ पर सिलिनियम एस ए की परसेंटेज आपको बता रहे कितना 0.5% है, ठीक है, ये किसके अंदर मिनिमम मॉलिक, अच्छा यहाँ पर एक कंपाउंड है पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, एक एंजाइम है पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस, उसी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है मिनिमम मॉलिकुलर वेट क्या होगा उसका, ठीक है, पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का आपसे पूछा जा रहा है भाई कम से कम कितना मॉलिकुलर वेट होगा इनकी वजह से, मिनिमम मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एटॉमिक वेट आपको दिया गया है सिलिनियम का, सिलिनियम का, ठीक है, जो एटम उसका 78.4 है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, मैंने कहा कि अगर हम चाहें तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे कर लो, मिनिमम मॉलिकुलर वेट, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया वहाँ पर 100 करो, ठीक है, इनटू एटॉमिक वेट इसका कितना है 78.4 है, अपान परसेंटेज कितना है 0.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो करके, ठीक है, यहाँ पर ये 200 आ जाता है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8, ठीक है, इतना आ जाता है, ठीक है, इतना एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं इतना आ जाता है। इसको अगर हम राउंड फिगर करके यहाँ पर सही से व्यवस्थित लिखते हैं ऑप्शन के साथ 1, 2, 3, 4, तो आ जाएगा 1.68 इंटू 10 की पावर 4। आपको बताया ऑप्शन इसमें ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है, ये वो। अच्छा इसका ये पहला तरीका था, फॉर्मूला पता था आपने रख दिया, लेकिन इसके सेकेंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड मेथड, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर एक बात ये कर सकते हैं कि ऐसा मान सकते हैं जो भी परसेंटेज है, ठीक है, उसको मास मान लेते, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 0.5 ग्राम ऑफ सिलेनियम, बताओ
अगर हमारा परऑक्सीडेज एनहाइड्रस 100 ग्राम हो तो इसका मतलब उसमें कितना है, परसेंटेज का मतलब ही होता है, अगर पूरा कंपाउंड 100 है तो उसमें से कितना हिस्सा उसका है, तो इसका मतलब कैसे कि 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट है 100 ग्राम परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम में। तो एक बार पूछी जाए तो 1 ग्राम ऑफ सेलेनियम कितने में प्रेजेंट होगा, आप बताओगे 100/0.5 ग्राम ऑफ परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। ठीक है, आपको बता मिनिमम मॉलिकुलर वेट, मतलब अगर वो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो एलिमेंट्स, मिनिमम कितना 1 हो सकता है, तो एक एटम का मास इसका कितना होता है आपको बताया कि एटॉमिक वेट यहाँ पर कह रहे एक एटम की वजह से मतलब 78.4 ग्राम की वजह से, मतलब मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम एटम अगर उसका वहाँ पर उपस्थित हो तो मिनिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है, तो 78.4 ग्राम की वजह से अगर हमसे पूछा जाए तो आप बताओगे भाई जब हमने एक ग्राम का हिसाब निकाल लिया फिर जितने भी ग्राम का पूछा जाए उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 78.4 और इसको जब सॉल्व करते हैं वही आपका ऑप्शन आ जाता है जो यहाँ पर 1.568 × 10⁴। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई इतना ग्राम प्रेजेंट है 100 में तो 1 ग्राम प्रेजेंट होगा इतने में, तो फिर सवाल आता है 78.4 ग्राम प्रेजेंट होगा कितने में। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ऐसा समझ में, चलो अगर समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर इस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। A compound was found to contain 5.37% nitrogen, the minimum molecular weight of nitrogenous compound. तो यहाँ पर भी सेम आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीका बताया, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मिनिमम मॉलिकुलर वेट, ठीक है, जो आपको फॉर्मूला बताया उसी से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, और आपको क्या बताया था 100 into, ठीक है, कितना है, कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन की बात चल रही है, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट रखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाता है 14, अपान बताया था कितना, हम उसकी परसेंटेज रखेंगे, कितना रखते हैं उसका परसेंटेज, यहाँ पर है 5.37। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं जिसको अगर सॉल्व करते हैं लगभग क्या हो जाता है, इसको 5 मानते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 14 × 28 280, मतलब 280 से कम आएगा क्योंकि 5 से थोड़ा ज़्यादा, तो बताए कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपके यहाँ पर 260.7। ठीक है, आप इसको टिक कर देते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिकुलर वेट, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, तो फिर से अगर हम यहां पर बात करते हैं मिनिमम मॉलिकुलर वेट की बात करते हैं, मिनिमम मॉलिकुलर वेट, तो आप बताओगे आपको क्या बताया था 100 × कौन है यहाँ पर एलिमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर, सल्फर का हमेशा याद है एटॉमिक वेट रखना है, कभी भूल भग किसी का मॉलिकुलर वेट मत रखना, सल्फर का कितना 32 होता है एटॉमिक वेट और 3.4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे आपका 941.7 आ, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिकुलर वेट अगर उसका सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो तो उसकी वजह से कितना उसका मॉलिकुलर मास निकल के आ सकता है, और आपको पता है कम से कम कितना एक ही हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो उसको हम लोग वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक का मतलब कि एक एटम का मास, मतलब ऐसा कह सकते हैं वहाँ पर अगर वहाँ पर एक मोल है तो उसका जो एटॉमिक वेट है उसकी वजह से कितना हो सकता है, उसी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको बनाया गया, आपको वैसे भी मैंने तरीका बताया कैसे आप देख सकते थे उसको। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इफ, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग सीखते हैं इसी का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट, फिर से यहाँ पर पहले मैं आप समस्या आपको बताऊँ फिर उसके बाद हम देखेंगे हम क्या सीखने जा रहे हैं। मान लेते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड ए एक्स बी वाई सी जेड है, ठीक है, क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर से उसमें किसी पर्टिकुलर एटम की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है और क्या, कह रहे इस बार आपको बड़े से कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो सवाल तो पूछेगा क्या, इससे पहले क्या था परसेंटेज देके मॉलिकुलर वेट पूछा, कह रहे इस बार मैं आपको परसेंटेज भी दूंगा मॉलिकुलर वेट भी दूंगा, बस ये बताओ उस एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ एटम्स वहां पर होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, किसका, जिस एलिमेंट का परसेंटेज पूछा गया, बताया गया किसमें, अगर उस मॉलिक्यूल का
जो भी बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसके एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम उसके छुपे होंगे वो आपको बताना है। पहले बताओ, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ? एक बड़ा सा कंपाउंड्स होगा, उसमें पर्टिकुलर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को टारगेट करके कहेगा उसकी परसेंटेज जितनी है और उस बड़े से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो बताओ वहां पर वो एलिमेंट कितना नंबर ऑफ एटम अपना रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, तरीका भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला जो मैंने बनाया यहाँ पर, आप उसको कर सकते हैं। चलिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया इफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर्टिकुलर एटम आस्क इन क्वेश्चन या फिर पर मॉलिक्यूल इन क्वेश्चन, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल्स बराबर परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक। ठीक है, तो ये हमें करना है, परसेंटेज अपॉन 100, जो भी उस एलिमेंट की परसेंटेज दिया है वो अपॉन 100 इंटू वो बड़े से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट कर देंगे तो आ जाता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से आप दोनों तरीके से वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। चलिए बताइए, यहाँ पर पहले मैं आपको जो फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसकी मदद से क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखें दूसरा तरीका भी मैं इसका बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते ना। हीमोग्लोबिन कंटेन, कह रहे हीमोग्लोबिन में जब देखा गया 0.334% आयरन पाया जा रहा बाय वेट, मतलब ये होता है अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें 0.33 ग्राम आपका आयरन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला द मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सिमेटली, मॉलिकुलर वेट आपको हीमोग्लोबिन का दे दिया गया 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स आपसे पूछा जा रहा है पर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल दे दिया उसमें आयरन के कितने एटम होंगे और आयरन के एक एटम का एटॉमिक वेट भी आपको दे दिया गया। तो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एफ ई एटम की बात करते हैं, तो आप बताओगे मैंने कहा परसेंटेज कितना है, 0.334/100 था है कि नहीं, इंटू फिर बताया मॉलिकुलर वेट है 67200 अपॉन एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा कितना है 56। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 point something ऐसा आता है, अब इसको 4 लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना वहाँ पर इतना, ये तो पहला मेथड हुआ। सवाल आता है चलो अगर हम फॉर्मूला भूल गए अब क्या करेंगे, है कि नहीं, तो अब हमें वहाँ पर ये लगाना है। देखो इसका मतलब क्या, अगर इस क्वेश्चन को समझें, इसका मतलब है कि इतना ग्राम आयरन का प्रेजेंट है 100 ग्राम में, और अगर इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो तब कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, तो अब उसी को हम यहाँ पर लगाते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन को जो सेकेंड मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें दिख रहा है वहाँ पर 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334 ग्राम आयरन। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334 by कितना 100, इतना ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, और उसका मॉलिकुलर मास कितना है। ठीक है, ये तो अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात है, और अगर हम बात करते हैं 67200 इतना ग्राम, मतलब 1 मोल अगर हीमोग्लोबिन का मास कितना होगा, इतना होगा, तो इतने ग्राम में ऑफ हीमोग्लोबिन तो क्या रखेगा, तो जब हमें 1 का हिसाब मिल जाए ना तो हमें क्या करना है वहाँ पर, फिर जितने का पूछा जाए मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 67200, ठीक है, इतना ग्राम आयरन मिल जाएगा। अभी आपको टोटल आयरन का मास मिला है, आपको बताए अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर 1 आयरन छुपा होगा तो उसका मास कितना होगा 56 एक एटम। भाई अगर 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल का मास उतना है, उनका मॉलिकुलर वेट उतना है, अगर 1 एटम है तो उसमें उसका क्या होगा 56 होगा, इतना मास है कि नहीं। अब अगर बात करते हैं इतना आपको पता चल गया, इतना टोटल मास आ रहा है किसका, आयरन का इतना मास है, तो एटम कैसे पता करेंगे, इतना तो इसका टोटल मास है, आपको पता है 1 एटम होता तो उसका मास 56, और इतने मास हैं तो क्या करना है आपको 56 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब आपको अगर यहाँ पर टोटल आयरन का मास पता चल गया इसके अंदर इतना होगा, ठीक है, फिर आयरन के एटम के नंबर बताने हैं, तो आपको पता टोटल मास को क्या करते हैं यहाँ पर 56 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 एटम के मास से डिवाइड कर देंगे, आपको टोटल मास वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाता है, और अब बताओ कितना आ जाता है वहाँ पर 4 point something करके आता है, आप 4 को टिक कर दो। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपके पास दोनों तरीके थे, आप कर सकते थे।
ठीक है, 100 में प्रेजेंट है इतना, तो एक में इतना, तो अब उसका मॉलिकुलर मास जितना था उस उतने ग्राम में कितना होगा ये, फिर इतना तो आयरन का मास, फिर एक एटम के मास से डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता चलता है कितना वहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं नीट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अब आप दोनों तरीके से इसको भी कर सकते हो, कह रहा है कैफीन एक सब्सटेंस है जिसमें 28.9% बायोमास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैफीन का 194 है, तो पूछा गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट होंगे उस कैफीन के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एन एटम की बात आ रही है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बताओ 28.9/100 ठीक है, इनटू क्या मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 194 कितना बताओ नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 होता है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे भी 4 point something आता है, तो इसको हम 4 लगाते हैं, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आ जाता है, ऐसा समझ लें ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती बताओ आ रहा है समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ठीक है अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखते हैं, कुछ और टर्म यहाँ पर आपके मोल कॉन्सेप्ट में दिया गया है आपके बुक में। अगर हमसे पूछा जाए ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है मास परसेंटेज ठीक है, या फिर मास कंपोजिशंस, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल है तो आपको हमेशा कोई ना कोई हिसाब लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ता है ठीक है। तो हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज कंपोजिशन ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड्स के अंदर जैसे मान लेते बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स बनाए, उसमें पूछा जाए बताओ एक्स के क्या मास परसेंटेज है, वाई का क्या मास परसेंटेज है, जेड का क्या मास परसेंटेज है, जिसका भी पूछा जाए हम उसको कैसे बताएं, वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब भी परसेंटेज की बात आई जाए, एक सिंपल सी लाइन अगर आपको याद है, कोई भी चीज़ का परसेंटेज हो आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कितना है अपान कितने में, मतलब कि कितना है अपान टोटल इंटू 100 कर देना। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा अगर परसेंटेज की बात आती है आपको परसेंटेज निकालना, तो इसका निकालने का ये तरीका है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कहा मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ा सा कंपाउंड है उसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज पूछा गया तो हम कहेंगे आखिर उसका मास कितना है, तो मास ऑफ उस एलिमेंट्स का अपान पूरे कंपाउंड का मास इंटू क्या कर देना है 100 कर देना है ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि क्या करना है वहाँ पर। चलो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मास परसेंटेज पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ठीक है, कितना है 0.48 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड्स कंटेनिंग बोरान एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग 0.192 ग्राम ऑफ बोरान एंड इतना ग्राम आपको बताया गया क्या ऑक्सीजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड्स ठीक है, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर बोरान और ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी, तो यहाँ पर टोटल कंपाउंड का मास दिया है और यहाँ पर ये किसका मास है बोरान का और ये किसका है ऑक्सीजन का, तो जिसका भी परसेंटेज जैसे परसेंटेज ऑफ बोरान की बात आएगी ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं ठीक है, बोरान की परसेंटेज की बात आती है, बोरान का मास कितना मास है वहाँ पर बताया गया 0.192 अपान टोटल मास कंपाउंड का रखना है ठीक है 0.48 इंटू क्या कर देते हैं 100 ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 40% आ जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो बताओ क्या करना है ऑक्सीजन का मास, मतलब जिसका परसेंटेज पूछा जाए वो कितना है अपान टोटल का मास, यहाँ पर कितना है 4.8 इंटू 100 कर देना है, ये आ जाता है और लगभग कितना आ जाता है 60% यहाँ पर आ जाता है ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपल सा तरीका लगाना है कितना है कितने में इंटू 100 कर देना ठीक है। तो इतना करते हैं हम लोग यहाँ पर।
और अगले टर्म पे यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस दे दिया जाए, कोई ऐसा क्वेश्चंस हो जिसमें आपका दे दिया जाए कोई रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे मोल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।